नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सतीश जी पॉइंट टेकन ऑन योर थिंग। जवाब देने लायक नहीं है। मैं सतीश, मैं आदरणीय सतीश जी से 100% सहमत हूँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर संविधान और कानून के दायरे में ही चलाया है। कोई किसी पर कंगारू कोर्ट नहीं चला रहा है। कंगारू कोर्ट क्या होता सतीश जी, आपको तो याद होगा, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंपा विश्वास का कांड तो आपको याद होगा। चंपा विश्वास कांड जो है, चंपा विश्वास एक आईएएस अधिकारी, उनसे पूछिए, प्रियंका से हमसे मत पूछिए। मृत्युंजय यादव हेमलता यादव के पुत्र थे। हेमलता यादव लालू प्रसाद यादव की करीबी नेता थी, राष्ट्रीय जनता दल की। वो लगातार जाकर मृत्युंजय यादव ने मित्र परिवार के साथ सीमा विश्वास पर प्रियंका उन्होंने उसकी बहन बेटियों को उसके परिवार के नौकरानी तक से बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने वो विश्वास परिवार को न्याय देने की बजाय, होल्ड ऑन प्रियंका जी, बीच में नहीं छोड़ने पर बीइंग ऑन एयर डजंट मीन कि ये होता है जातिवाद का जहर, ये होता है अपराधियों को संरक्षण देना। इस तरह से लालू यादव ने जिस लंपटता के साथ सीमा विश्वास के बलात्कारियों को संरक्षण दिया, उनकी जाति देखकर संरक्षण दिया, जात विशेष के अपराधियों को जो है जो संरक्षण देने का कुकृत्य था, वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई कल्पना नहीं कर सकता। सतीश जी, विजय त्रिवेदी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। विजय जी, आपको तो याद होगा सीमा विश्वास कांड पर आपने दो चार विजय त्रिवेदी निश्चित तौर पर की होगी। ये इससे बड़ा जो है अन्याय क्या था विजय जी? विजय बाबू, इस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी में आप जो है उन्नाव कांड की बात करते हैं। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर को तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। कुलदीप सेंगर आप बताइए, सीमा विश्वास के तो आपने दस्तावेज तक गायब करवा दिए, आपने अदालतों से दस्तावेज फिकवा दिए लालू यादव। प्रियंका जी आ रहा हूं, रिलैक्स। कुकृत्य क्या हो सकता है भाई कि आप अदालतों से भी कागजात फिकवा दें और बलात्कार पीड़िता का साथ ना दें। दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर कन्विक्ट हो गए, हाथरस के मामले में जो अभियुक्त है वो कन्विक्ट हो गए। हाथरस मामले में जो है कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उन्नाव मामले में कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और गायत्री प्रजापति कन्विक्ट होने के बाद भी वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। बुलंदशहर में बलात्कार होता है और आजम खान कहते हैं कि बलात्कार सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करना पड़ता है आजम खान को। ये होता है बलात्कारियों का साथ देना। बलात्कार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय था, पूरा देश जानता है बलात्कारी बचाओ पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सीमा विश्वास पर हिम्मत तो बता दो, लालू यादव बलात्कारी बचाओ का कूकर किए थे कि नहीं? हिम्मत हो तो सीमा विश्वास को बोल। प्रेम जी क्या करके सुन लीजिए, महिला है, नारी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। सीमा 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 विश्वास के समर्थन में बोल, हिम्मत हो तो बोल के जाए। और खड़ा हूँ मैं, आप लोग हिम्मत हो तो सीमा विश्वास के समर्थन में एक शब्द बोल कर जाए। अगर आरजेडी को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, मेरा चुनौती है इनको, ये सीमा विश्वास के बातों की जाए, नारी समाज की है उसको कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म करने वालों के विरुद्ध एक शब्द तो बोल दे, एक निंदा के शब्द बोल दे। मृत्युंजय कुमार लालू यादव का मित्र परिवार का था, उस बलात्कारी को लालू ने क्यों बचाया? बताओ ना, लालू के कुकर पर कुछ तो बोलो। अरे बोलिए तो, क्या हो गया भवानी भैया? नहीं आप सब देखो, ओके, नाउ थैंक यू। एक मिनट के लिए सतीश के सिंह जी किसी से बात करें, एक मिनट के लिए हटा दीजिए। कैन आई अगेन बी जिस मी एंड अनुराग भदौरिया? मैं आ रहा हूँ अनुराग भदौरिया के पास इन 30 seconds, जिस मी 60-40 विद द विजुअल्स। दर्शकों आपने सुना, जिस मी एंड 60-40, थैंक यू, नो अनुराग भदौरिया। समाजवादी पार्टी से पूछिए, वो कह रहे हैं देखो बाबा सिलेक्टिव है। आरजेडी से पूछिए तो आरजेडी कह रहे हैं कि देखो बाबा अपने हिसाब से कर रहे हैं। सतीश के सिंह ने तो याद भी दिला दिया सतीश जी ने, कि अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया या विजय जी ने कहा कि जाति के ऊपर बाबा बुलडोजर नहीं शूट आउट कर रहा है। मैं कह रहा हूं एक मिनट के लिए सबको छोड़ दीजिए, सब गलत है। मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, यू डिसाइड। लेकिन जो सतीश जी ने कहा है वो ठीक है, अब तालिबानी समाज नहीं बना सकते, सबके पास नहीं, कानून का राज होगा, कानून सर्वोपरि है, वो भी इंपॉर्टेंट है।
बैक टू द विजुअल, इस व्यक्ति के साथ, इस हैवान के साथ, कैन आई हैव द विजुअल्स प्लीज, विजुअल। इस व्यक्ति के आप जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे या इसका कर्म देखेंगे जो इसने हैवानियत की है? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी ठीक है, विजय त्रिवेदी जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है, सतीश जी ठीक है या प्रियंका भारती जी ठीक है, ये आप डिसाइड कीजिए। आप हैवान, इस हैवान का जो दादा की उम्र में ये हैवानियत कर रहा है किसी बच्ची के साथ, आप इसका धर्म या जाति देखेंगे, ये इसकी ये हैवानियत वाला कृत्य देखेंगे? अनुराग भदौरिया, अब बोलिए अनुराग जी। अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी ऑन द अदर साइड। अनुराग जी बताइए। देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा। मुझे लगता है शायद ये आप ही देख रहे हो और कोई नहीं देख रहा है। मैंने बोला किसी भी जात धर्म किसी मजहब का हो, बेटी के साथ अन्याय करेगा उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में बेटियों पे अन्याय बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की कानून व्यवस्थाएँ फेल हो चुकी है। सवाल इस पर उठना चाहिए, हिम्मत कैसे पड़ रही है लोगों की। चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे ये जो घटना आप दिखा रहे हो, चाहे एम्बुलेंस वाली हो, चाहे स्कॉर्पियो वाली घटना मैंने कल आप लखनऊ की बताई कि बेटी के साथ उसको एक्टर बनाएंगे करके उसके साथ अन्याय किया। चाहे हतरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे बीएचयू की बेटी हो, चाहे मैंने इतनी बेटियों का नाम गिनाया, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिमाग में जबरदस्ती इसमें जा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि न्याय पे, अन्याय पे बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर अन्याय पे चलेगा। ये क्या कर रहे हैं, बुलडोजर किस पे चला रहे हैं, ये बुलडोजर और शूट आउट किस पे करते हैं बताइए। सुल्तानपुर की घटना अगर हम उठा लें, कल जो सुल्तानपुर की घटना हुई है, जो सातिर अपराधी है, जो मुख्य आरोपी है, कितने आपराधिक मुकदमे उस पर बताइए, चैलेंज करते हैं ऐश्वर्य जी, बताइए मुख्य आरोपी पे कितने आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन उसको सरेंडर करवा दिया आपने। जो दूसरा आरोपी था उस पर कितने आपराधिक मुकदमे, जरा बताइए। और कब आपने उस पर अनाउंस किया, उसके ऊपर इनाम कब आपने डिक्लेयर किया, बताइए तारीख बता के जाइए, कब आपने इनाम डिक्लेयर किया, कितने मुकदमे थे उसके ऊपर में, जो मुख्य आरोपी जिसको आपने सरेंडर कराया उस पर कितने मुकदमे थे, बताइए आप, चलिए। और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपका शूट आउट कैसे होता है, बताइए आप। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुख्य आरोपी जो सिलेंडर हुआ उस पर कितने मुकदमे थे, जरा बताइए। प्रेम शुक्ला जी बताइए आप। अब मैं उत्तर, कितना इनाम था उसके ऊपर में, इनका संकट देखिए, पुलिस पर जो गोली चलाएगा और कितना उस पर पुलिस गोली चलाएगी, उसके ऊपर इनाम, और हर एनकाउंटर का मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। मित्र, कृपा करके आए माए साए मत पकिए, आपका जवाब हर जो है, तो जवाब नहीं होता, कोई भी पुलिस की मुठभेड़ होती है तो भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी जिले में, अब सुन लीजिए ना, मुठभेड़ होगी तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। क्या था वो, अरे भाई लीजिए, अब यादव जी को अगर मुकदमा ना, तो गोली चलाने का अधिकार है पुलिस पे, पुलिस पर जो गोली चलाएगा पुलिस उस पर गोली चलाएगी। किसी का अपराध का रिकॉर्ड देखकर अगर कोई किसी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सरेंडर कर रहा है, अरे व्यक्ति बोलते रहते हैं। अनुराग जी।